नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू उनकी मम्मी रियल लाइफ रियल होम। कैसे हैं आप सब लोग? ये साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है। जब ये मेरी वीडियो आएगी तब 2020 आ चुका होगा। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ़ से। आप सब लोग स्वस्थ रहें और बढ़िया रहें। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी सब्जी से रिलेटेड कुछ प्यारी सी बातें और फेवरेट पराठा। आज बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा, ये वाइट मक्खन के साथ खाऊंगी। इसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है, मैश करके रेगुलर मसाले डाल दिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च और आटा लगा लिया है। हम मैं बना रही हूँ पराठे और इसको मैं वाइट मक्खन के साथ और आम के अचार के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं और ये सब्जी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो चलिए, मैं सब्जी मंडी गई, उसके बाद वहाँ से लाई हूँ सब्जियाँ। इन सब सब्जियों को मैंने धो करके अच्छे से रख दिया है। अब पूरे हफ्ते मुझे कोई टेंशन नहीं। सारी सब्जियों को हमें धो देना चाहिए मार्केट से लाने के बाद। ये देखिए, हरी मिर्च, अदरक, धनिया। धनिया दो तरह का है, एक है छोटे पत्ते वाला, एक बड़े पत्ते वाला। छोटे पत्ते का धनिया मैं सब्जी में डालती हूँ, उसे देसी धनिया कहते हैं, उसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है। तो सारी सब्जियाँ धो दी हैं मैंने। और ये गाजर मैंने कल नए साल पे हलवा बनाने के लिए धोकर छील कर रख दी हैं। अब इनको कद्दूकस करूँगी। ये मेरी तैयारी है, पक गई है सारी सुबह के लिए। और मैंने देखिए डस्टबिन को भी धोकर रख दिया है, आलू को धोकर रख दिया है। मैं डस्टबिन को ऐसे ही धोकर रख देती हूँ, इससे इसमें स्मेल नहीं होती, क्योंकि हरी सब्जियों की स्मेल हो जाती है। किचन के सारे टॉवल मैंने धो कर के सुखा दिए हैं, पूरे टॉवल एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन कर दिए हैं मैंने। अब मैं सारे इस्तेमाल करूँगी। ये मेरी वॉशिंग मशीन, यूटिलिटी एरिया में मैं डस्टबिन रखती हूँ, वॉशिंग मशीन रखती हूँ और वहीं किचन के टॉवल सुखाने के लिए मैंने एक रस्सी बांधी हुई है। तो ये और ये मेरा मोप का जो बॉक्स है, इसको मैंने एक्स्ट्रा पन्नी थैले सब भर कर रख देती हूँ, इसको फेंका नहीं है मैंने। तो चलिए दोस्तों, अब ये सब सफाई की बातें हो गई और मेरी सब्जियां भी सब धुल कर रख गई। अब इनको मैं सुबह फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि इनका सब पानी सूख जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और अपने अनुभव बताइएगा। तो नए साल में बनाते हैं गाजर का हलवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नई यूट्यूबर हूँ, कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मेरी वीडियो आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।